हाय गाइस, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करेंगे भाई पोको F6 के अंदर भाई पबजी मोबाइल में 120 FPS का सपोर्ट फाइनली यहां पर देखने को मिल चुका है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे भाई BGMI में अभी तक इसके अंदर 60 FPS का ऑप्शन ही देखने को मिलता है, 90 FPS का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिला। तो भाई वेट करो क्योंकि अभी जो पबजी मोबाइल में ना 3.3 का अपडेट आया है, वैसे इसके अंदर BGMI को पता है थोड़ा अपडेट लेट आता है, तो हो सकता है 10-12 दिन बाद अपडेट आएगा, हो सकता है उस टाइम इसके अंदर 90 FPS का अपडेट आ जाए या फिर हो सकता है 120 FPS भी आ जाए, क्योंकि जो 120 FPS है ना पिछले ही अपडेट में गेम के अंदर आ चुका था बट इंडिया के अंदर नहीं आया। मैं भी सोचता BGMI 120 FPS आ जाए काफी अच्छी बात रहेगी, नहीं आता तो 90 FPS भी आ सकता, लेकिन आज के इस वीडियो में 120 FPS को हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं जो कि होने वाले PUBG मोबाइल के अंदर। तो भाई हम देखेंगे बैटरी कितना ड्रेन करता है, फोन कितना हीट होता है, सब कुछ यहाँ पर हम चेक करने वाले। बस करना कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस फोन का टेस्ट देखना चाहते हो। फिलहाल इस फोन के अंदर यहाँ पर 120 FPS देखने मिला है। काफी सारे लोग पूछेंगे कि हमारी जो पोको X6 Pro है, देख सकते हैं ये भी मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ पोको X6 Pro, इसके अंदर आया कि नहीं आया। देखो इसके अंदर भी मैंने भाई सबसे पहले इसी फोन के अंदर डाल के देखा था बट इसके अंदर नहीं डाला। इस फोन का ना मैंने कंप्लीट रिव्यू बनाया था, काफी सारे लोगों ने बोला कि भाई इसके अंदर 120 FPS आ चुका, फिर मैंने इसके अंदर डाला तो आ चुका था जो कि मैंने यहाँ पर टेस्ट किया। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर 120 FPS चलता है। तो ये रहा यहाँ पर हमारे पास पोको F6 और इसके अंदर मैंने BGMI को ओपन किया हुआ है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 90 FPS से करा होगा। सबसे पहले मैं सेटिंग में जाके दिखाता हूँ। देखो वैसे जो लॉबी होती है ना, लॉबी में हमेशा 90 ही रहेगा, लेकिन जब आप गेम वगैरह TDM वगैरह क्लासिक खेलोगे वहाँ पर 120 FPS चलता है, ठीक है। ये है यहाँ पर हमारा पबजी मोबाइल, लेकिन यहाँ पर मैंने BGMI भी डाला हुआ, जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये रहा मेरे मेन आईडी। यहाँ पर जाएंगे BGMI में, अभी भी यहाँ पर ना 90 FPS ऑप्शन नहीं आया। मे बी जब अपडेट आ जाएगा इसमें भी 3.3 का, तो तब हो सकता है कि BGMI के अंदर भी आ जाए, क्योंकि पोको X6 Pro यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी ना यहाँ पर 60 FPS ही चलता था। जब BGMI का नया अपडेट आया था तब जाके 90 FPS इनेबल हुआ था, लेकिन इस फोन के अंदर BGMI का अपडेट भी आ चुका है, फोन का अपडेट भी आ चुका है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मे बी 3.3 का अपडेट आएगा BGMI का तो 90 FPS मिल जाएगा। जब भी मिलेगा उसकी आपकी वीडियो बना देंगे, क्या पता 120 जो FPS है ना यही अपडेट का भी देखने को मिल जाए, यही अपडेट देखने को मिल जाए इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर BGMI के अंदर आपको 120 FPS किसी भी फोन के अंदर देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऑफिशियल उन्होंने बताया ही नहीं है, क्योंकि इनका यार सर्वर वगैरह ऐसे ही रहता है। चलो उसको हम छोड़ते हैं यहाँ पर। ये देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में जाके एक बार। देखो यहाँ पर ना एक सेटिंग भी होती है, यहाँ पर फ्रेम रेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसको मैंने सेलेक्ट किया 90 किया 120 किया, बट ये एक्चुअल में 120 ही चलता है, आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर 90 और अल्ट्रा एक्सट्रीम मतलब हमारा 120 हो जाता है। अब ये वाली जो ग्राफिक सेटिंग्स है यहाँ पर देख लो, मैंने इसको 2x किया, आप डिसेबल करके भी खेलोगे काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बाकी ये हमारा इसको भी हम डिसेबल कर देते, हमें ये नहीं चाहिए। बाकी ये देख सकते हो ये सारी मेरी सेटिंग्स होने वाले और जायरो में ऑन करके खेलूंगा, ज्यादा मैच नहीं खेलेंगे, बस दिखाने वाला हूं किस तरह से परफॉर्म करता है। यहां पर हमने इसको टाइमर को जो है यहां पर सॉरी मैच जो स्टार्ट कर दिया, TDM का टाइमर हमने लगा दिया, बैटरी कितनी ड्रेन होगी, फोन कितना हीट होगा उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। देखो तो 87% हमारी बैटरी है, फोन का टेम्परेचर भी यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ, फोन का टेम्परेचर 33 देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बैक से हम देख लेते हैं 33 है, और रूम का टेम्परेचर भी काफी लो है इस टाइम, 30 के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो आपको पता चलेगा बैटरी कितनी ड्रेन हुई है, फोन कितना हीट हुआ, सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर TDM जो हमारा स्टार्ट हो चुका है 120 FPS यहाँ पर अच्छे से दिखा रहा है। आपको एक बार कंफर्म कराने की ये चीज दिखा भी देता हूँ, एक्सट्रीम प्लस पे क्या, तो अब मेरा 90 हो जाएगा, 90 से ऊपर नहीं जाएगा, देख सकते हो 90 हो चुका है। जैसे यहाँ पर मैं गया इसको एक्सट्रीम प्लस किया, आप देखो यहाँ पर हमारा 120 हर्ट्ज़ तक यानी कि FPS तक जा रहा है, जो कि काफी बढ़िया। अब यहाँ पर आप गेम प्ले देखो और एंजॉय करो। तो यहाँ पर भाई TDM खत्म हो चुका है, और जो अभी मेरे को FPS देखने को मिले ना वो 110 प्लस देखने को मिले, TDM में इतना था जो कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छे लगे, मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा। बैटरी जो यहाँ पर 85 हो चुकी है, 2% का यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है। फोन का टेम्परेचर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कि 34 हो चुका है, 1% यहाँ पर ज्यादा बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 मिनट की गेमिंग हो चुकी है। इस चीज का ध्यान रखना, मैं अभी यहाँ पर AC की कंडीशन में गेम खेल रहा हूँ, इस वजह से FPS ज्यादा अच्छे है। अगर नॉर्मल खेलोगे या फिर आप कूलर वगैरह में खेलोगे, फोन ठंडा रहेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस निकालेगा, वरना तो आपको पता ही है भाई फोन हीट होता है तो 60 FPS में भी बहुत बेकार चलता है। चलो कोई बात नहीं, अब सीधे डायरेक्ट मैं एक इरेंगल का मैच लगा लेता हूँ। वैसे इरेंगल में यार काफी ज्यादा बोट आते हैं, तो
जंगल नहीं, मैं लीविंग लगाता हूँ, उसके बाद अगर अच्छा मैच नहीं जाएगा तो हम लगा लेंगे। अरे यार एक तो बीच पबजी मोबाइल में क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें दे रखी कुछ समझ में नहीं आता, तो हम सीधे लगा देते हैं यहाँ पर 1v4, सॉरी 1v4 बोल रहे, स्क्वाड लगा दिया हमने, देखते हैं भाई स्क्वाड में किस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल के देगा। हम भी सोए हैं, हैं इतना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी सही है। तो यहाँ पर 120 काफी अच्छी तरीके से दे रहा है, और ये हमने जंप लगाया, जंप के बाद 116 को ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला, ये काफी बढ़िया बात है। अभी नीचे जाते देखते कितने बंदे आएंगे और फिर देखते भाई FPS कितने अच्छे ये मेंटेन करके रखता है। कैसे नियत थे कैंपर होती है, कहाँ लेटा हुआ है।
तो भाई यहाँ पर हमारा निकल चुका है चिकन डिनर, और भाई इसने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दिया। आपने देखा होगा 120 FPS में कितने FPS से निकाला था, 100 से 120 फ्लैक्चुएट हो रहे थे, उससे नीचे मेरे को यहाँ पर जाता हुआ देखने को नहीं मिला। तो देखो भाई यहाँ पर टेस्टिंग हम करने वाले बंद, 79 जो बैटरी हो चुकी है, शायद हमने 87 पे स्टार्ट किया था, तो बैटरी भी वो सही चल रही है। आप देखिए तो 20 मिनट हमने यहाँ पर गेमिंग करी है, ये भी सही है। और फोन तो मेरा बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैं एसी के टेम्परेचर में देख सकते, पहले 34 हुआ था, 32 हो गया, क्योंकि रूम का टेम्परेचर भी और काफी ज्यादा गिर चुका है। वैसे भी फोन ज्यादा हीट नहीं करता, मैंने नॉर्मल भी गेम वगैरह खेला, वहां पर भी हीट नहीं करता। तो 120 FPS भाई इसके अंदर काफी तगड़े यहाँ पर चल रहे, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है। बट ये चीज मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो 120 FPS है ना, जब ये BGMI में आएगा भाई, इतना स्टेबल चलेगा कि नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको पता होगा भाई BGMI में भी काफी ज्यादा लैग होता है, ड्रेन होता है, काफी ज्यादा FPS ड्रॉप होती है। अब इनका सर्वर ही देख लो भाई, कितने सारे सर्वर की दिक्कत होते हैं। चलो कोई नहीं, BGMI में 90 आता है, 120 आता है। जब भी 3.3 का अपडेट मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ, 3.3 का अपडेट है, और BGMI में आप देख सकते हो 3.2 का अपडेट यहाँ पर देखने को मिला था, और मेरे फोन का जो अपडेट है वो भी मैं चेक करा देता हूँ, 1.0.3.0। और ये इंडियन डिवाइस देख सकते हो, IN लिखा हुआ है, जो कि मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो भाई पोको F6 के अंदर भाई 120 FPS काफी मस्त तरीके से चल रहा है, बट ये नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अभी फ्लैक्चुएट कर रहा है और अभी नया नया आया, मे बी हो सकता है एक दो अपडेट आएंगे छोटे मोटे फोन का, तो तब और काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिलहाल तो फोन ज्यादा हीट नहीं कर रहा, बैटरी ड्रेन नहीं कर रहा, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस मेरे को लगी है। तो देखा गाइस यार, इसके अंदर 120 FPS भाई काफी तगड़ा अच्छा यहाँ पर चल रहा है, 100 से लेके 120 के अराउंड यहाँ पर देता है FPS, ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि देखो अभी क्या, अभी स्टार्टिंग में आया है, फोन के अंदर अपडेट आएंगे थोड़ा बहुत और ऑप्टिमाइज होगा, बट 120 FPS ही करा रहा है 30,000 के नीचे अंदर, यानी कि 30,000 के नीचे फोन देखने को मिलता है, ये काफी बड़ी बात है। और अभी तक मेरे को यहाँ पर दिक्कत नहीं देखने को मिली, फोन हीट भी नहीं हो रहा, बैटरी ज्यादा ड्रेन भी देखने को नहीं मिल रही है, और 120 FPS काफी तगड़ी करा रहा है। बात वही रहेगी BGMI के जो अंदर आएगा तो उसको कैसे हैंडल करता है, BGMI के सर्वर की दिक्कत है, लैग की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत होती है, उसका टेस्ट भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।